subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan 8th English Day 4 Bridge Course. इंग्लिश 8th स्टैंडर्ड का ब्रिज कोर्स है. चलिए शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड 8 एक्टिविटी नंबर 4 सब्जेक्ट इंग्लिश ब्रिज कोर्स बुक. लर्निंग आउटकम्स देखेंगे, कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स यानी डिफ़िकल्ट और अनफैमिलियर वर्ड्स को सुनेंगे और उसको समझकर उसको सॉल्व करेंगे. इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स. अब टीचर्स और पेरेंट्स ने क्या करना है, टीचर्स विल रीड आउट अगेन सेंटेंसेस वन बाय वन विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन. टीचर्स विल आस्क डिफिकल्ट एंड अनफैमिलियर बिट्स वर्ड्स फ्रॉम द सेंटेंसेस. टीचर विल एक्सेप्ट एवरी आंसर ऑफ द स्टूडेंट विद करेक्ट एंड रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. रेडियो, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर विल बी अवेलेबल. टीचर्स, पेरेंट्स, फैसिलिटेटर्स विल लिसन टू सेंटेंसेस टू स्टूडेंट्स. Give the chance to students to read sentences. यानी टीचर्स ने पूरी तरीके से मदद करना है, सेंटेंसेस और वर्ड्स बोलना है और उसका प्रोनाउंसिएशन बच्चों को सुनाना है. इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स यानी बच्चों ने क्या करना है, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली द डिफ़िकल्ट अनफैमिलियर बिट्स वर्ड्स एंड नोट देम इनटू देयर कॉपीज. जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स और अनफैमिलियर वर्ड्स है उसे आपने अपनी कॉपी में लिखना है और उसके अलावा आपने उसके ऊपर सवाल भी करना है कि इसके मीनिंग क्या है या इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है. लेट्स बिगिन. लर्निंग एक्टिविटी है, सबसे पहली है रीड आउट अगेन गिवन सेंटेंसेस वन बाय वन विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन. यानी सही तलफ्फुज़ के साथ में, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ में आपने सेंटेंसेस पढ़ना है. चिंटू इज़ वॉचिंग होर्डिंग, ही लिव्स इन रूरल एरिया. मृदंगम प्रोड्यूसेस मेलोडियस साउंड्स. Photography was his hobby. Explicit means direct or direct or clearly expressed. Chintu is watching hoarding. Chintu hoarding देख रहा है. He lives in a rural area. वो देही इलाके में रहता है. Mridangam produces melodious sounds. Mridangam से मेलोडियस यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुरीली आवाज़ें निकलती है. फोटोग्राफी वॉज हिज हॉबी, फोटोग्राफी उसका मशगला है. एक्सप्लिसिट मीन्स डायरेक्ट और क्लियरली एक्सप्रेस. एक्सप्लिसिट के माने होते हैं रास या साफ साफ बयान किया गया. टेल द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन टू स्टूडेंट्स. टेल बोथ इंग्लिश एंड उर्दू और मराठी मीनिंग्स. यूज डिक्शनरी इफ नेसेसरी. टेल देम मोर सेंटेंसेस ऑफ डिफ़िकल्ट अनफैमिलियर बिट्स एंड वर्ड्स. जैसे कि ट्रबल सम यानी मुश्किल पैदा करने वाला, क्रूशियल अहम, टफ मुश्किल, प्रॉब्लमेटिक मुश्किल में डालने वाला, आर्डॉस तकलीफदा, वन रस यकता डिमांडिंग जिसका को बहुत अहमियत हो, सीवियर मुश्किल, स्ट्रेनॉस यानी तनाव पैदा करने वाला, एम्बिशियस यानी बहुत ही ज़्यादा पुरजोश, बर्डनसम बर्डन डालने वाला, लेबोरियस मेहनती या मेहनत करने वाला, पेनफुल तकलीफदा, चैलेंजिंग मसलाकुन कॉम्प्लेक्स मुश्किल या फिर मखलूत, डेलिकेट नर्म नाजुक, कन्फ्यूजिंग परेशान कुन कन्फ्यूज करने वाला, गुमराह करने वाला, ग्रिम यानी उम्दा पूरा पक्का, इंट्रैक्टेबल यानी जो जिसके साथ आप बात ना कर सके, जिसे ट्रेस ना कर सके, इंट्रेसेबल से ट्रैक्टेबल, गैर गैंटवान. लिटरली इफ़ यू नो अ लैंग्वेज प्यूरिस्ट वॉच आउट. यानी अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है तो देखिए. आयरोनिक यानी जो तंजिया होता है. इररिगार्डलेस इंस्टेड ऑफ रिगार्डलेस यानी ये अपोजिट वर्ड है रिगार्डलेस का. यानी कि रिगार्डलेस होता है कि किसी चीज़ को अमल मिला है. इररिगार्डलेस जो बेअमली है. होम ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. कॉलोनल ये कर्नल का ही मुखफ़ है, ये इस्तेमाल करते हैं. नॉन प्लस्ड डिसइंटरेस्टेड जो जिसे कोई इंटरेस्ट ना हो. इनॉर्मिटी इनॉर्मस से बनाए बहुत जायद से. सॉल्ट एक्टिविटी डेमो. आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस.
दे आर ऑफन लेट वर्क सर, लेट हो जाते हैं. स्टूडेंट्स विल नोट डाउन द डिफिकल्ट और अनफेमिलियर बिट्स और वर्ड्स इन दर कॉपीज टू वी रीड टी इन द अबो वर्ड. ऑफन में टी हमने नहीं पढ़ा था. रेस्पॉन्स वन यस नो डोंट नो. रेस्पॉन्स टू नो वी डोंट रीड लेटर टी. तीसरा है स्टूडेंट्स विल आस्क करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रीडिंग ऑफ अनफेमिलियर बिट वर्ड ऑफन इज अ फन. लेट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज लेट. लेट एल ई आई टी. लेट सी अनदर वर्ड फेब्रुआरी. फेब आर यू रो ए आर ई ई फेब्रुआरी. कॉलोनल यानी कर्नल. वॉर्चेस्टर शायर. मिसचीवियस ड्रॉट. क्विनोआ ऑनोमेटोपोया. सीजर्स एनेमोन. अब ये कर्नल का ही मुखफ्फफ यहाँ इस्तेमाल किया गया है जो अक्सर आर्मी के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. वॉर्सेस्टर शायर ये एक मुकाम का नाम है. मिसचीवियस बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला या फिर शरारती के लिए इस्तेमाल करते हैं. ड्रॉट यानी खहत. क्विनोआ क्विनोआ कुस्ट से बना है. ऑनोमेटोपोया ऑनोमेटोपोया ये एक सनत है यानी कि एक किस्म की अल्फाज की सनत है. सीजर्स ये खैचियों को कहते हैं. एनेमोन यानी जो एक किस्म की यकताई है. एट्रोसिटी एट्रोसिटी यानी किसी के ख़िलाफ़ जुर्म करना तकलीफ़ देना. फैनाटिकल तकलीफ़ देने वाला. फैनाटिक से बना है. पेंसिव पेंसिव या सीव से बना है. पेंसिव. रेस्पाइट रेस्पाइट किसी के करीब आ जाना. डिसकॉर्डेंट. एलोक्वेंट एलोक्वेंट बहुत ही साफ सुथरा शुस्ता के लिए इस्तेमाल करते हैं. एनकम्पास यानी किसी चीज़ को घेर लेना. इम्परसेप्टिबल यानी कोई चीज़ बहुत ही साफ तरीके से आपके सामने लाई जा सकती है. प्रैक्टिस वन टेल मोर डिफिकल्ट अनफेमिलियर बिट्स वर्ड्स टू स्टूडेंट्स विद सेंटेंसेस. आस्क देम टू करेक्ट द प्रोनाउंसिएशन. मेक प्रैक्टिस टू द स्टूडेंट्स मोर. एक्सटेंशन एक्टिविटी पैरेलल एक्टिविटी री इन्फोर्समेंट. रीड और लिसन लेसन स्टोरी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड नोट डाउन मोर डिफिकल्ट अनफेमिलियर बिट्स वर्ड्स वाइल लिसनिंग सो एज टू आस्क क्वेश्चंस लेटर. इवैल्यूएशन लिसन एनी न्यूज़ इन इंग्लिश ऑन द मोबाइल ऑफ योर पेरेंट्स एंड नोट आउट डिफिकल्ट और अनफेमिलियर बिट्स वर्ड्स. दीक्षा वीडियो ई कंटेंट क्यूआर कोड दिया हुआ है. पुट अप एनी न्यूज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टू शो द स्टूडेंट्स. अब देखिए अनफेमिलियर वर्ड्स का सेंटेंसेस के प्रोनाउंसिएशन और प्रैक्टिस के लिए आप अपनी दर्सी किताब का स्टोरी का पोएम का इस्तेमाल कर सकते हैं. टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं. मोबाइल पे न्यूज़ सुन सकते हैं या न्यूज़पेपर से भी कोई आर्टिकल लेकर सीख सकते हैं. सेमेट्री मेनी लैंग्वेज लर्नर्स थिंक दिस इज एन अ बिट देयर इजंट. उसके बाद रिदम. रिदम इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्ड इन इंग्लिश एंड इज़ इन इन मेनी अदर लैंग्वेजेस. रिदम भी कहते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन. लियाजन लियाजन. उसके बाद हरास. हरास यानी तकलीफ़ देना. प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन सही तलफ़ुज़ निकालना. वियर्ड यानी बहुत ही ख़राब या तकलीफ़ दह. मिलेनियम मिलेनिया से बना है यानी कि नेक्स्ट अगली सदी. रिकमेंडेड जिसकी कोई तारीफ की जाए या रिकमेंड किया जाए. दीक्षा वीडियो ई कंटेंट क्यूआर कोड. पुट अप एनी न्यूज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टू शो द स्टूडेंट्स. माई टेक अवे टूडे आई लर्न यानी आज मैंने क्या क्या सीखा. आई लर्न टू लिसन प्रॉपरली एंड नोट्स डाउन डिफिकल्ट बिट्स एंड वर्ड्स. आई लर्न हाउ टू प्रोनाउंस करेक्टली मैंने किस तरीके से सही तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है उसे सीखा. आई लर्न टू आस्क क्वेश्चन ऑन डिफिकल्ट बिट्स. आई लर्न टू रीड. आई लर्न टू मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट बिट्स. यानी बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी. सवाल करना पढ़ना लिखना बोलना और मानी अख्ज़ करना. एक्सप्लोर द वर्ड्स यानी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इसका आपने एक्सप्लोर करना है. एबरेशन अ स्टेट और कंडीशन मार्केटली डिफरेंट फ्राम द नॉर्म यानी एक ऐसी हालत जिसमें आप हालात हाजरा से मुख्तलिफ होते हैं. अबोर फाइंड रिप्यूजेंट. रिप्यूडनेट यानी एक बहुत ही साफ और शुस्ता शख्सियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एक्वाइस यानी फाइंड रिप्यूडनेंट यानी किसी चीज़ को हासिल करना. एक्विसेंस एग्री और एक्सप्रेस एग्रीमेंट यानी किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाना. एलैक्रिटी ये लिवलीनेस और ईगरनेस यानी किसी चीज़ की जिंदा जावी तहरीर के लिए या फिर तैयारी के लिए इस्तेमाल किया था. एमिएबल डिफ्यूजिंग वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस
मिलनसार के लिए इस्तेमाल करते हैं एमिएबल, एपीज, एपीज मेक पीस विथ, यानी किसी को किसके साथ अमन में रहना, आर केन रिक्वायरिंग सीक्रेट और मिस्टीरियस नॉलेज, यानी किसी के साथ में आपने अपना नॉलेज शेयर करना है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एवराइस। एक न्यूज़ आर्टिकल है 17 गॉफ स्क्वायर लंदन का है, सैमुअल जॉनसन कंपाइल्ड हिज डिक्शनरी 1755 एट द अबो एड्रेस एंड द अबो एड्रेस स्टिल स्टैंड्स, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट इट एवरी ईयर, मोस्ट ऑफ हुम अपियर टू बी अमेरिकन्स एंड इट मस्ट बी वन ऑफ द वेरी फ्यू श्राइन्स टू लॉक्सिकोग्राफी इन द वर्ल्ड एट लार्ज, लीव अलोन इन द इंग्लिश यूजिंग वर्ल्ड, इट इज़ इन नीड ऑफ रिपेयर, हाउएवर इट्स लास्ट मेजर रिनोवेशन वॉज इन 1911, सिंस वेन इट वॉज डैमेज ऑन 3 सेपरेट ओकेशंस बाई एनिमी एक्शंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, एन अपील हैज नाउ बीन लॉन्च फॉर अ मिनिमम ऑफ 1,50,000 pounds नेसेसरी टू रिस्टोर एंड मेंटेन दिस हिस्टोरिक स्पॉट, डोनेशंस कैन बी सेंट टू द डॉक्टर जॉनसन्स हाउस अपील फंड 1 डीन फरार स्ट्रीट वेस्ट मिनिस्टर लंडन स्विच SW1HODH इंग्लैंड। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।